हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे टॉप बॉटम हार्ड बॉक्स की डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। ये मैंने सैम्पल रेडी कर लिया आपके लिए। हम इस बॉक्स की डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है? आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले हमें ग्रे बोर्ड की डिज़ाइन बनानी है। ग्रे बोर्ड हम 1000 GSM यूज़ करेंगे, उसके बाद स्पेशल पेपर 120 GSM और उसके बाद इनसाइड वॉल वो 350 GSM की मटेरियल पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रे बोर्ड की डिज़ाइन। डायलाइन आपको पता है कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगल से हम बनाते हैं। साइज़ आपके पास होने चाहिए। मेरे पास जो साइज़ है, जो कस्टमर ने मुझे प्रोडक्ट दी है, जो उसकी मटेरियल उसके हिसाब से मैं उसका साइज़ मैंने एडजस्ट कर लिया हुआ है। हम लेंथ ये बॉक्स की, सबसे पहले हम ग्रे बोर्ड की डायलाइन बना रहे हैं। आपने ख्याल रखना है 28 मेरी उसकी लेंथ है ग्रे बोर्ड की, ठीक है, लेंथ। और जो हाइट है वो 20 विड्थ, इसमें ये विड्थ है, ठीक है, इसमें ये हाइट नहीं है, इसमें ये विड्थ है। 22 मैंने विड्थ रखी है, लेंथ और विड्थ ये हमने बना लिया, ठीक है। इसकी हाइट का ये दूसरा जो हम हाइट बनाएंगे, ये इसकी हाइट है, ये हाइट है। मैं इसकी हाइट रख रहा हूँ 2.5 सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी हाइट है 2.5, ठीक है। अब ये हाइट को हमने चारों साइडों के ऊपर लगाना है, ठीक है। इसकी जो ऊपर मैंने हाइट 2.5 रखी है, इसकी सेम कॉपी आप नीचे भी कर लो। और उसके बाद हमने हाइट को ये साइडों पे भी लगानी है, इसकी आप सेम ऐसे कॉपी करो और ये रेफरेंस पॉइंट देके इसकी भी 2.5 करना है। चारों साइडों पे हमने 2.5 के ये रेक्टेंगल लगाने हैं। ये हो गया हमारा ग्रे बोर्ड, ठीक है। इसको हम मशीन में बाद में काटेंगे, इसके दो पीस काटेंगे। दो पीस क्यों चाहिए? क्योंकि हम टॉप बॉटम बना रहे हैं, टॉप बॉटम का साइज़ दोनों के सेम रहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्रे बोर्ड। अच्छा, उसके बाद हमने पेपर डायलर बनानी है। जो पेपर डायलर बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू ग्रे बोर्ड, यानी ग्रे बोर्ड के हिसाब से ही हमने पेपर की डायलर बनानी है। और जो पेपर की डायलर होती है वो ग्रे बोर्ड के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होता है। वो कितना बड़ा होता है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये सेम कॉपी की ग्रे बोर्ड की डायलर को, इसमें मैं जो इसकी लेंथ है उसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। ये प्रीफ्रेंस में जाके आपने क्री बोर्ड इंक्रीमेंट में यहाँ पे जितना आपने बड़ा करना उतना मैं साइज़ ले रहा हूँ। 0.38 कर लो आप, या 32 कर लो आप, 32, ठीक है। ये थोड़ा सा यानी कि ये मिलीज में चला गया, तो इसको मैं कैसे डायरेक्ट बड़ा करता हूँ ये भी एक फार्मूला है। ये मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पकड़ता हूँ, ये एंकर पॉइंट को पकड़ के सीधा मैं एरो से, ये देखे थोड़ा सा बड़ा हो गया। और उसके बाद इसकी हाइट भी बड़े करेंगे, क्योंकि हमारा कीबोर्ड इंक्रीमेंट में साइज़ मैंने मेंशन किया हुआ है। ये मैंने दोनों साइडों से 0.32 बड़ा कर दिया। ये भी आपको दिखने में सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये बड़ा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये बड़ा है, कितना बड़ा है। मैं ग्रे बोर्ड को पेपर की डायलाइन के ऊपर रख के दिखाता हूँ। कलर मैंने चेंज कर लिया ताकि आपको पता लगे ग्रे बोर्ड कौन सा और पेपर कौन सा है। ये देखिए हल्का सा डिफरेंस आ रहा है, साइज़ थोड़ा सा बड़ा पेपर का, क्योंकि ग्रे बोर्ड ने पेपर के अंदर जाना है, इसलिए पेपर को हमने बड़ा किया, ठीक है। ये इतना 0.32 बड़ा है। अभी चारों साइडों से 0.152 बड़ा मिली है हमारा, ठीक है। थोड़ा सा साइज़ हम आपने जो आपका ग्रे बोर्ड है उसकी थिकनेस के हिसाब से उसको उतना बड़ा कर लिया। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारी हाइट है इसको भी बड़ा करना है। इसको कितना बड़ा करेंगे, इसको आप कर लो 0.15, यानी कि 1.5 मिली आपने बड़ा करना है। इसको मैंने 1.5 मिली बड़ा कर लिया। इस तरह आपने चारों साइडों को 1.5 मिली बड़ा करना है। 1.5 मिली मतलब 0.15 सेंटीमीटर, इसको आप 1.5 मिली कहोगे, वन, ठीक है। ये आपने चारों साइडों से इसको ऐसे बड़ा करना है, इसकी हाइट बड़ी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ग्रे बोर्ड है उसकी हाइट थी 0.25, तो अभी हमारी ये पेपर की हाइट हो गई 2.65 हो गई है, ठीक है। इस तरह आपने इस इन चारों साइडों से साइज़ को बड़ा करना है। अच्छा, उसके बाद इसका ये फर्दर स्टेप ये है, इस सेम कॉपी आपने की, इसको आप 0.15 छोटा करना है आपने, क्योंकि ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा, तो जब फोल्ड होगा वो नीचे जो ग्रे बोर्ड है उसके साथ टच ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया। उसके बाद आपने इसकी थोड़ी सी ये शेप चेंज करनी है, क्योंकि जब आप फोल्ड करते हो तो आपको जगह चाहिए होती है। ये
माइनर सी या मैंने छोटी सी कर ली, अंदाजे से कर ली है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं करनी कि वो ग्रे बोर्ड आपका नज़र आए। जब आप फोल्डिंग कर रहे हो ना तो ग्रे बोर्ड नज़र नहीं आना चाहिए। तो इसकी सेम कॉपी करके मैंने दोनों साइडों से सेम शेप करनी है। तो ये भी एक फार्मूला है, आई होप आपको पता होगा ये कैसे करते हैं। ये भी हम एडवांस लेवल की डायलन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी गहराई में नहीं जा रहा, जस्ट आपको बता रहा हूँ। और ये शेप को पाथ फाइंडर से हम जाके इसको डिवाइड करके या इंटरसेक्ट कर लो आप, डायरेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे शेप दोनों साइडों से हमारी सेम हो गई है, ठीक है। अभी ये सेम इस साइज़ को हम फिर चारों साइडों पे करेंगे। इसकी सेम कॉपी करके आप दूसरी साइड पे ले जाओ, वहाँ पे जाके आप इसको रिफ्लेक्ट कर दो वर्टिकल। ये रिफ्लेक्ट होगी, ये देखें थोड़ा सा दोनों साइडों से हो रहा है। और सेम आप कॉपी इसको ऊपर भी कर लो, इसी को मैं कॉपी करके ऊपर ले जाता हूँ। रोटेट करें आप इसको और डाई लाइन के कॉर्नर पर अटैच करें। अभी ये थोड़ी छोटी है, इसको मैनुअली आप इसको बड़ा करें, डबल क्लिक करके। डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसको बड़ा करता हूँ, डबल क्लिक करके लेयर के अंदर है। और ये दोनों एंकर पॉइंट को पकड़ा और ये मैंने इसके साथ इसको बराबर कर दिया। और इसको सेम कॉपी आप इसको नीचे कर लो, ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट कर लो आप। अच्छा, उसके बाद एक छोटे से फ्लैप बनते हैं जिसको हम ईयर कहते हैं। ये ईयर इसलिए बनाते हैं कि जब आप फोल्डिंग कर रहे हो तो इन ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये एक फ्लैप्स एक दूसरे के ऊपर पेस्ट होते हैं जिससे फिनिशिंग आती है। इसकी आप हाइट छोटी कर लो, मैनुअली कर लो आप। ये जो हमारा हाइट थी उसे थोड़ा उतने बराबर कर लो या थोड़ी सी छोटी कर लो, ये मैंने इतनी की है, ये भी चलेगा। इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर लो वो भी चलेगा आपका, इसका कोई यानी कि स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। तो इसको भी अब आप ये फ्लैप हमेशा इसका बनाने का फार्मूला, ये आपने पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था ये कैसे बनाते हैं, इसको भी आपने वैसे ही बनाना है। इसकी मैंने सेम कॉपी की, इसको रिफ्लेक्ट किया एक को, ये एक सेम कॉपी इसके ऊपर रखी, ऊपर वाले डायलाइन को मैंने रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट करने के बाद मैं इनको इंटरसेक्ट कर दूंगा पाथ फाइंडर के अंदर, ठीक है। ये मैंने इंटरसेक्ट कर दिया, ये हमारी शेप हो गई। अब इस जो हमारा फ्लैप है ये वाला छोटा सा, इसको भी आपने चारों साइडों के ऊपर रखना है। मैं इसकी सेम कॉपी करके उधर ले जाता हूँ। ये अलाइनमेंट भी आपको पता होना चाहिए, ये डायलाइन जब भी आपने बनानी है आपको अलाइनमेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, आपकी अलाइनमेंट के ऊपर क्रीप होनी चाहिए। ये सेम कॉपी करके इनको नीचे भी ले गया हूँ, वहाँ पे भी मैंने इनको रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारी होगी पेपर की डायलाइन। अभी आपको मैं फिर शो करवाता हूँ, ये देखें जो ग्रे बोर्ड था उसको जब हम पेपर के ऊपर रखेंगे, हमारा ग्रे बोर्ड छोटा है और पेपर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। वो बड़ा इसलिए रखा है क्योंकि जो ग्रे बोर्ड होता है वो पेपर के अंदर यानी कि उसको फोल्ड करते हैं, पेपर आपका ऊपर होएगा इसलिए उसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है। ये मैं इसको सेम अभी, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इनसाइड वाल। इनसाइड वाल क्या है, जो एक ग्रे बोर्ड का फॉर एग्जांपल या एक हमारा जो है बॉटम है उसके अंदर एक दीवार आएगी। इस दीवार का साइज़ भी बड़े आपने तरीके से निकालना है, आपको कितना गैप चाहिए। अभी ये देखें इसकी जो लेंथ थी 28 थी, उसको मैंने 0.38 इसको छोटा किया है, यानी कि इसको अब क्योंकि ये ग्रे बोर्ड के अंदर आना है इसलिए अभी ग्रे बोर्ड का जो साइज़ था लेंथ का उसे हमने छोटा करना है। अभी इस तरह हमने इसकी विड्थ भी छोटी कर दी है, ठीक है, इसकी विड्थ भी मिली 2-3 मिली हमने इसको छोटा किया है। ये देखें ये भी आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ, ये छोटा है अभी ग्रे बोर्ड के अंदर से, ये छोटा है। जो पेपर बनाया था वो ग्रे बोर्ड से बड़ा था, अब जो इनसाइड वाल है वो ग्रे बोर्ड से छोटी है, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइट कैसे एडजस्ट करनी है, हमारा जो हाइट है वो 2.5 है ग्रे बोर्ड की, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी हाइट 2.5 करेंगे, ठीक है। अभी ये जो दीवार है ये ग्रे बोर्ड के ऊपर आएगी, ग्रे बोर्ड की थिकनेस 2 मिली है, तो लिहाजा पहले सबसे पहले मैं इसको 2 मिली यहाँ से माइनस करूँगा, 2.5 में से 2 मिली 0.2 हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो दो बॉक्स के दरमियान गैप जितना देना है वो आपने गैप ऐड करना है, 0.8 मिली मैं इसका गैप दे देता हूँ कि इसके अंदर से जो दोनों बॉक्स के बीच में से जो दीवार नज़र आए वो 8 मिली हो। अच्छा, उसके बाद फिर जो ऊपर टॉप पे अटैच होगी वो 2.5 थी हमारी हाइट, फिर दोबारा हम इसको ऐड करेंगे 2.5, दोबारा मैंने ऐड किया 2.5,
ठीक है, अब जो ऊपर में जो हमारी दीवार टच होगी ग्रे बोर्ड को, वहाँ से फिर आपने आपने 0.2 मिली इसको माइनस करना है, तो ये हमारी हाइट आ गई, जो हमारी इनसाइड वॉल आनी है ये उसकी हाइट आ गई है, ठीक है, लेंथ है, हाइट और लेंथ में, सॉरी फॉर दिस। अच्छा, उसके बाद हम साइड पे आ जाएंगे, जो हमारी विड्थ थी उसको हम सेम कॉपी किया आपने, अब ये हम विड्थ का साइज लेंगे, विड्थ कितनी है हमारी, ये जो फ्लैप की इसकी विड्थ है 22 है, ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको इसकी विड्थ सेट करेंगे 22, उसमें से आपने माइनस करना है 0.15 कर लो आप, 1.5 मिली आप छोटा कर लो, क्योंकि हमारे ग्रे बोर्ड के अंदर ये दीवार आनी है, इसलिए थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, बराबर रखोगे तो ये दीवार ग्रे बोर्ड के अंदर एडजस्ट नहीं होगी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, सैंपल जब मैं आपको बना के दिखाऊंगा फिर आपको समय लग जाएगी। अभी नॉर्मल जैसी डायलम बनाते हैं, ये चारों साइडों पर हमने इसको फ्रंट बैक कर लिए, साइडें भी कर ली हैं, और ये एक छोटा सा फ्लैप बनेगा, ये जो ये हम ये भी हमारा पेपर की एक डायलम है, उसको हम इनसाइड वॉल कहेंगे, और ये 350 GSM बोर्ड के ऊपर काटेंगे, और ये नॉर्मली जैसे हम स्टैंडर्ड साइज फ्लैप बनाते हैं आपने वैसे नॉर्मल फ्लैप बनाना है, इसको थोड़ा सा कर्व कर लो, ये हमारा फ्लैप हो गया। अच्छा, उसके बाद ये दीवार इसको थोड़ा सा हम मोटा यानी डबल पेपर यूज़ करेंगे, तो डबल पेपर यूज़ करने के लिए इसको हम मैं सेम कॉपी इसकी एक ऊपर की तरफ करूँगा, समझो ये फ्लैप फोल्ड होंगे, ये भी मैं आपको जब सैंपल बनाऊँगा आपको दिखाऊँगा ये फ्लैप फोल्ड इसका क्या पर्पज़ था। अच्छा, इनका भी इसकी थोड़ी सी हाइट छोटी कर लें, जो इसके जो नीचे वाले फ्लैप थे उससे आप 1.5 मिली या 2 मिली हाइट छोटी कर लें, वो सही है, क्योंकि अगर बराबर हाइट होगी तो वो प्रॉब्लम होगी। तो अब ये फ्लैप्स की भी आपने शेप बनानी है, नॉर्मली जैसे हम फ्लैप्स की शेप बनाते हैं ये शेप्स ऐसे बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर जब फोल्ड होता है अगर शेप्स नहीं बनी होंगी तो पेपर आपका स्क्रैच कर जाएगा या उसकी यानी कि क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो ये ऐसे मैंने थोड़ा सा कॉर्नर पे राउंड कर यानी कि इसकी शेप चेंज कर दी है, तो आपने दोनों साइडों पे ऐसे करना है। आपको पाथ फाइंडर के बारे में बहुत पता होना चाहिए, आप पाथ फाइंडर को सीखो, डायलाइन पाथ फाइंडर ही से बनती है। ये देखिए मैं अपनी डायलाइन बनाने के दौरान पाथ फाइंडर बहुत यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, सेम अभी आपने फ्रंट और बैक सेम कर लेना है, इसको मैं सेम कॉपी करके पीछे भी ले जाता हूँ, और ये जो विड्थ थी उसको भी आप इसको डबल सेलेक्ट डबल क्लिक करके लेयर के अंदर जाके इसको मैन्युअली छोटा कर लें, और अब ये सेम ये देखें आप कॉर्नर बने हैं ना, ऐसे कॉर्नर होने चाहिए आपके, और ये सेम कॉपी करके आप पीछे भी ले आओ, ठीक है, ये हमारी होगी दीवार, ठीक है, ये भी साइज़ बहुत बड़ा जा रहा है, लेकिन मैं जब इसको सैम्पलिंग करूँगा तो इसको हम 2 पीस में कर लेंगे, ठीक है, ये हमारी होगी दीवार, एक हमारा ग्रे बोर्ड हो गया, ठीक है, एक हमारा पेपर हो गया, और ये इनसाइड वॉल है, इसको हम सिल्वर मटेरियल के ऊपर काटेंगे, वो भी आपको दिखाता हूँ सिल्वर मटेरियल कैसा होता है, ग्रे बोर्ड भी दिखाता हूँ वो क्या चीज़ होती है, ग्रे बोर्ड कितने ग्राम है, 1000 ग्राम ग्रे बोर्ड होता है, और जो पेपर हम 120 GSM पेपर यूज़ करें, ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे फैंसी किस्म का, और ये जो इनसाइड वॉल है वो हम 350 GSM पेपर यूज़ करेंगे। जब डायलाइन बनाते हैं तो इसमें पेपर का ख्याल रखना पड़ता है, पेपर की थिकनेस कितनी है उसके हिसाब से ही आपने मिली छोटा करना है या बड़ा करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इतना मिली बड़ा कर रहा हूँ इतना छोटा कर रहा हूँ, ये पेपर की थिकनेस के हिसाब से। अब हम डमी काटेंगे, ये मशीन के ऊपर मैं डमी काट रहा हूँ, ये हमारा ग्रे बोर्ड कटिंग हो रहा है 1000 GSM ग्रे बोर्ड, ठीक है, सारी जब सब डमी काट ली हमने तो अब सैंपल बनाएंगे। ये देखें, ये मैंने जो हमारा ब्लैक पेपर था 120 GSM, ये पेपर की 2 पीस काटे हमने, क्योंकि टॉप बॉटम है, एक टॉप है एक बॉटम है, सेम साइज़ सेम कॉपी 2 पीस की है। उसके बाद ये ग्रे बोर्ड है हमारा, ठीक है, ये ग्रे बोर्ड ऐसा होता है, ठीक है, ये ग्रे बोर्ड है 1000 GSM, ठीक है, इसकी एक सैंपल काटी 2 पीस इसके काट लिए हमने, ठीक है, और इसके बाद ये हमारी वॉल थी, इसको सिल्वर बोर्ड, ये 350 GSM है, ये भी 2 पीस इसलिए क्योंकि मशीन का साइज़ छोटा था, ये पेपर का साइज़ बड़ा जा रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पीस में कर लिया। उसके बाद ये सबसे पहले हमने ग्रे बोर्ड को टेप लगानी है, ये मास्किंग टेप है, इससे ग्रे बोर्ड को आपने ऐसे टेप से बंद करना है, ये चीज़ बन जाती है, ठीक है,
सेम, हमने इसके दो पीस काटे थे ना, तो ये ऐसे इसको टेप लगा के इसने आपने इसको फोल्ड कर लेना, ये ग्रे बोर्ड है हमारा, इसको फोल्ड कर लिया। दूसरे पीस को भी आपने ऐसे ही फोल्ड कर लेना टेप लगा के, तो ये चारों साइडों पे आपने टेप लगा के इसको ऐसे बंद कर लेना। ये हमारे दो पीस ये हो गए। उसके बाद हम पेपर को इसके ऊपर पेस्ट करेंगे, इसको हम गिलू के अंदर से गुजारेंगे। ये हमारा गिलू है, पेपर के दूसरी तरफ गिलू लग गया है। अभी जो हमारा ग्रे बोर्ड है उसको हम ये पेपर के ऊपर एडजस्ट करेंगे। आपने देखा ना, जो ग्रे बोर्ड है वो पेपर के अंदर जा रहा है, इसलिए हमने पेपर का साइज़ बड़ा किया था। इसको आपने बड़े ये तरीके से इसको प्रोफेशनली एडजस्ट करते हैं हम, चारों साइडों से बराबर जो एडजस्ट होगा तो फिर हम इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। इसके पेपर के ऊपर गिलू लगाया हुआ है, तो अभी हम इसको फोल्ड करेंगे। इसको इस तरह फोल्ड करना है। वो जो ईयर थे उसको भी हमने बंद कर दिया, ये देखें वो आदमी, ये ईयर, ये बंद किया है ईयर, ठीक है, जो फ्लैप था हमारा। इस तरह आपने इसको चारों साइडों से इस तरह आपने पेस्ट करके इसको बंद कर देना है। ये इस तरह हार्ड बॉक्स बॉक्सेस ऐसे बनते हैं, गिलू लगा के ग्रे बोर्ड यूज़ होते हैं, पेपर यूज़ होते हैं, इसको ऐसे इसको बाइंडिंग में फिर ऐसे काम करते हैं। ये बाइंडिंग का हमारा आदमी है, वो इसको यानी कि सैंपल बना के दे रहा है मुझे, ठीक है। इस तरह आपने चारों साइडों से इसको फोल्ड करना है। इसके सेम इसी साइज़ के सेम मैं दो पीस मैंने बनाए थे, ठीक है। ये देखें ये हमारा ऐसे, अभी तो इसकी क्वालिटी नहीं आ रही क्योंकि अभी मैं सैम्पलिंग कर रहा हूँ। जब फाइनल प्रोडक्शन होती है फिर क्वालिटी आती है। अब जो हमारी दीवार थी, दीवार को हमने मैंने दो पीस में किया था। एक पीस ये देखें, ये जोर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे मैंने इसको टेप लगा के इसको बड़ा कर लिया। जो हमारे कंप्यूटर में एक्चुअल साइज़ था ना, सेम वही साइज़ हो गया। इसको भी आपने पेस्टिंग करके इसको ऐसे पेस्ट कर लेना। ये दीवार का इसका क्या पर्पज़ है वो अभी बताता हूँ। ये हमारी दीवार बन गई है, इसको आपने फोल्ड कर लेना। ये देखें ऐसे फोल्ड कर लेना, यानी डबल पेपर हो गया, थोड़ी मजबूती आ गई, हार्ड पेपर हो गया। ये दीवार को फिर हम ये बॉटम हमारा बॉटम ट्रे के अंदर इसको ऐसे रखते हैं। इसको टेपे लगा के, साइडों पे टेपे लगाई हुई हैं, इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं दीवार को, ठीक है। और दीवार जब एडजस्ट हो जाती है उसके बाद जो दूसरा फ्लैप था हमारा टॉप, उसको इसके ऊपर रखते हैं। इस तरह ये हमारा एक मैनुअली हार्ड बॉक्स रेडी हो जाता है। इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। ये देखें ये सैंपल है, ये अभी सैंपल हमारा, ठीक है। कस्टमर को ये सैंपल दिखाएंगे, वो इसको अप्रूव करेगा। इसके अंदर जो मटेरियल आना है वो एक्चुअली, इसके अंदर हम परफ्यूम की बोतल्स डाल रहे हैं। ये चीज़ बनेगी यहाँ पे, 5 बोतलें परफ्यूम्स की आएंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ लगी होगी। आप डायलर्न को डाउनलोड भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है।